हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिस पॉइंट। और आज की वीडियो में हम भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको ट्रिक से याद करेंगे, और इसके बाद जो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो दिए गए हैं उनको याद करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहले हम मौलिक अधिकारों को याद कर लेते हैं। इसकी ट्रिक मैंने ये लिख रखी है, और यह अधिकार मानवीय जीवन के लिए इतने मूलभूत हैं कि इनके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। भारत का मूल संविधान 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिक को प्रदान करता था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिक को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, और मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और यह अधिकार भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। तो चलिए इनको याद करते हैं। इसकी ट्रिक है, मौलिक अधिकारों की याद करने की ट्रिक, समस्त शोध संस्कृति के उपचार हैं। आपको ये लाइन याद रखनी है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार हैं। अब इस ट्रिक का विश्लेषण देख लेते हैं। समस्त में हम सम से याद करेंगे समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18 तक है, मतलब राइट टू इक्विटी। इसके बाद अस्त से याद करेंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार, सारा इसमें भी सारा है, स्वतंत्रता का अधिकार, यह राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 से 22 तक हैं। इसके बारे में हम और डिटेल से जानेंगे, मैंने नीचे लिख रखा है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 14 से 18 तक। इसके बाद शोध में हम शोध से याद करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, या राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 से 24 तक हैं, मतलब दो आर्टिकल हैं। इसके बाद शोध में धा से हम याद करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 28 तक हैं। इसके बाद संस्कृति से हम याद करेंगे संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29 से 30 तक हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसके बाद उपचार से हम याद करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 से 35 तक हैं, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार में सबसे पहला अनुच्छेद 12 है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, ये वह राज्य है जो संविधान के मौलिक अधिकारों में यूज किया गया है, मतलब इस शब्द का प्रयोग किया गया है संविधान में मौलिक अधिकार में, और ये वह राज्य नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसका मतलब अलग है। तो इसका मतलब जानते हैं ये क्या है, और इस राज्य की परिभाषा है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट, या लोकल बॉडी जैसे म्यूनिसिपलिटी, पंचायत एंड अदर अथॉरिटीज़। मतलब कह सकते हैं कि जो भारतीय सरकार से संबंधित होते हैं वो उन्हें राज्य कहते हैं, वो राज्य होते हैं ये वाले। अब देख लेते हैं आर्टिकल 13 में, राज्य कोई ऐसा कानून नियम या आदेश नहीं देगा जिससे मौलिक अधिकार नष्ट होते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये है समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18 तक है, जो अभी हमने याद करा था, देखो ये सम से याद करा था हमने समानता का अधिकार, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन्हें जान लेते हैं। आर्टिकल 14 में है, भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। मतलब समानता के अधिकार में जो सबसे पहला आर्टिकल 14 है वो समता के बारे में ही है, समता या समानता के बारे में ही है, जैसे भारत के सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। तो आर्टिकल पहला 14 किसमें है, किसके बारे में, समता के बारे में, ये याद रखना आपको। इसके बाद आर्टिकल 15 में देख लेते हैं, राज्य को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है, इन बारे में है दूसरा आर्टिकल 15, आपको ये याद रखना कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है। इसके बाद आर्टिकल 16 देख लेते हैं, सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार, या अवसर में समानता के अधिकार के बारे में है। इसके बाद आर्टिकल 17 देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखना ही है आपको, अस्पृश्यता का अंत, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें ही बताया था इसके बारे में, अस्पृश्यता का अंत मतलब एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत को रोकता है ये वाला आर्टिकल, अस्पृश्यता का अंत, सत्ता से भी याद कर सकते हैं, 17 आ रहा है सत्ता से इस वाले वर्ड से। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, और ये मैंने अभी बताया ही था, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट,
के उपखंड 6 तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था। ये पहले इन दोनों में था संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के तहत एक विधिक अधिकार है। अब विधि का अधिकार कौन सा देख लेते हैं। ये आर्टिकल 300 के तहत था। इसमें क्या है देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ये है आर्टिकल 300 के तहत। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और मेरी और जीके ट्रिक्स की वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।